आज के समय में हर कोई अपने घर के साथ सज्जा करने के लिए पौधों का इस्तेमाल करता है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको लगाना शुभ बताया गया है। आइए पंडित जी से जानते हैं कि वह कौन से पौधे हैं। घर की सुंदरता ही नहीं बल्कि घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य के साथ साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम घर में सुंदरता के साथ साथ ऐसे पौधे लगाएं जिससे कि हमारे घर में वृद्धि हो। वृद्धि ज्ञान की, धन की, सम्मान की और हमारे घर में हर प्रकार के सुख सुविधाओं की वृद्धि हो। इसमें सर्वप्रथम सभी लोग मनी प्लांट लगाना पसंद करते हैं। मनी प्लांट का पौधा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा माना जाता है, इसलिए वह घर के पूर्व दिशा की ओर लगा रहना चाहिए जिससे कि घर में सुख समृद्धि और जैसा कि नाम ही है मनी प्लांट तो लक्ष्मी की आव बढ़ती है। शमी पत्र यदि हमारे घर में रहता है तो उससे किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हमारे घर में नहीं होता है और घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। और एक पौधा अनार का पौधा यदि हमारे घर में दाईं ओर घर के द्वार मुख्य द्वार के दाईं ओर यदि अनार का पौधा लगाया जाता है तो घर में लक्ष्मी खिंची चली आती है, सुख संपत्ति वैभव का कभी अभाव नहीं होता है। इसी प्रकार से चमेली का पौधा यदि घर में होता है तो हमारे घर में माहौल जो है खुशनुमा एवं हल्का माहौल बना रहता है, इसलिए चमेली का पौधा भी घर में लगाना चाहिए। और तुलसा जी जो है घर में से सभी प्रकार के रोगों का नाश करती है, सदा घर में सुख संपन्नता ऐश्वर्य बनाई रहता है। लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा तुलसा जी के पौधे को लगाने से हमारे घर में बनी रहती है। इस प्रकार से ये जो पौधे हैं, चमेली का पौधा, तुलसा जी का पौधा, मनी प्लांट, अनार का पौधा, ये पौधे जो हैं हमारे घर में यदि रहते हैं तो हमारे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक ऊर्जा से घर परिपूर्ण हो जाता है। जय श्री